नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने शॉर्ट्स वीडियो से भी पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स वीडियो के लिए एक नया अपडेट लाया है जो 2023 फरवरी से लॉन्च हो जाएगा, जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। YouTube ने शॉर्ट्स वीडियो के मोनेटाइजेशन में एक बड़ा बदलाव लाया है और 2023 के शुरुआत से ही आप अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो को मोनेटाइज कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर लास्ट 90 डेज में पूरे करने होंगे, और ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस समय YouTube पे जो भी शॉर्ट्स वीडियो डाले जा रहे हैं उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट न्यू टर्म टू स्टे इन द YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग शॉर्ट्स एड्स। अगर आपका YouTube चैनल पहले से मोनेटाइज है तो जब भी आप अपना YouTube स्टूडियो कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन किया करेंगे तो मोबाइल में ओपन करने के लिए आपको पहले ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में करना होगा और फिर YouTube स्टूडियो को ओपन करना होगा। फिर YouTube में नए टर्म को एक्सेप्ट करने के लिए ऊपर बैनर में एक मैसेज लिखा रहेगा और YouTube के इस नए टर्म को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप अपने YouTube चैनल पर जो शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे उसका एड्स रेवेन्यू आपको मिल पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो नहीं डालूंगा और उसकी कमाई मुझे नहीं चाहिए, तो भी आपको एक इस नए टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो जुलाई तक आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। YouTube शॉर्ट्स वीडियो क्या है? कुछ समय पहले भारत सरकार ने TikTok ऐप को भारत में बैन कर दिया था। इस ऐप पर शॉर्ट वीडियो हुआ करते थे, यानी 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का वीडियो होता था। TikTok बैन होने के बाद YouTube ने सोचा कि क्यों ना TikTok से कमाई को YouTube प्लेटफॉर्म पर पूरा किया जाए, और फिर YouTube ने शॉर्ट वीडियो का चलन शुरू किया। आप YouTube शॉर्ट वीडियो के लिए अलग YouTube चैनल बना सकते हैं या फिर आप अपने पुराने चैनल पर ही शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन इनेबल कैसे करें? YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आपके चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो पर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए, फिर आप अपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल ने मोनेटाइजेशन नियमों में बदलाव किया है, और पहले YouTube शॉर्ट्स वीडियो पर एडसेंस का ऐड नहीं चलता था, लेकिन अब हर 2-3 शॉर्ट्स वीडियो के बीच में एड्स चला करेगा और 2-3 चैनल के बीच में उसका पैसा बांट दिया जाएगा। पहले YouTube शॉर्ट्स वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आने पर इनाम के रूप में फंड देता था, लेकिन अब आप अपने शॉर्ट्स वीडियो पर लास्ट 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने YouTube चैनल पर लंबा वीडियो डालते हैं और उस पर 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। वैसे ही आप शॉर्ट्स वीडियो वाला चैनल भी लास्ट 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर करके मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नोट, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर होने पर मोनेटाइजेशन वाला अपडेट मार्च 2023 तक लागू किया जा सकता है। अगर आप भी 10 मिलियन व्यूज पूरा कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इस अपडेट को लागू करने के बाद ही आपको नए शॉर्ट्स वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज पूरा करके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके पहले आपका चैनल मोनेटाइजेशन में नहीं जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो वर्सेस लॉन्ग वीडियो मोनेटाइज। अब आप अपने चैनल को 2 तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपको क्राइटेरिया पूरा करना होगा, 4000 वॉच टाइम
और 1000 सब्सक्राइबर। यदि आप शॉर्ट वीडियो से अपना जो चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज चाहिए। इस तरह से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। आप क्या आप शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों डाल सकते हैं? ये आपके जहन में सवाल ज़रूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों एक साथ डाल सकते हैं। अब जो भी वीडियो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा करेगा वैसे ही आपका चैनल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, या तो आपके चैनल पर शॉर्ट वीडियो का 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें, या फिर लॉन्ग वीडियो पे एक साल के अंदर 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें, तभी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल कर पाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर वाला एक क्राइटेरिया लंबा वीडियो में भी है और शॉर्ट वीडियो में भी, लेकिन शॉर्ट वीडियो में 4000 वॉच टाइम की जगह 10 मिलियन व्यूज 90 दिन में पूरा करना होगा। यूट्यूब शॉर्ट साइज कितना होता है? यूट्यूब शॉर्ट वीडियो साइज 15 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक का होता है। साथ ही शॉर्ट वीडियो अपलोड करते समय टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हैश शॉर्ट्स लिखना होता है एवं वीडियो को लैंडस्केप में रिकॉर्ड ना करके पोर्ट्रेट रिकॉर्ड करें और तभी आपका वीडियो शॉर्ट सेक्शन में दिखता है। YouTube शॉर्ट्स नॉट शोइंग। अगर आप अपने शॉर्ट्स वीडियो के टाइटल एवं डिस्क्रिप्शन में हैशटैग के साथ शॉर्ट्स नहीं लिखते हैं तो फिर आपका वीडियो आम वीडियो के तरह ही ब्राउज फीचर में दिखेगा, वो शॉर्ट सेक्शन में नहीं जाता है। साथ ही आपको अपना वीडियो के साइज के ऊपर भी ध्यान देना होता है। आपका शॉर्ट्स वीडियो 1 मिनट की लंबाई वाला ही होना चाहिए और आपका वीडियो वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट में होना चाहिए। हाउ टू इनेबल YouTube शॉर्ट्स। अगर आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई सेटिंग इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने YouTube ऐप को अपडेट कर लें और फिर आप अपने चैनल पर 1 मिनट से कम ड्यूरेशन वाला वर्टिकल वीडियो को शॉर्ट वीडियो के लिए अपलोड कर सकते हैं, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हैश शॉर्ट्स लिखना ना भूलें। शॉर्ट्स वीडियो से पैसे कैसे कमाएं? जब आपका YouTube शॉर्ट वीडियो शॉर्ट सेक्शन में चला जाता है, वीडियो में ऐड नहीं आएगा, बल्कि जब यूज़र उस वीडियो को आगे खिसकाएगा तो 2 या 3 या 4 वीडियो के बाद ऐड आ सकता है और फिर उन सभी चैनलों के बीच में उस ऐड का पैसा बांट दिया जाएगा। उदाहरण के किसी यूज़र ने एक वीडियो को ओपन किया, उसे देखा और फिर खिसका दिया और फिर उसके सामने एडसेंस का एड वाला वीडियो चलने लगेगा। फिर जब वो उसे खिसकाएगा तो फिर किसी अन्य चैनल के वीडियो चलेंगे। इन दोनों चैनलों के बीच में जो ऐड आया था उसका पैसा बांट दिया जाएगा। यानी लंबा वीडियो के बीच में ऐड आता है और ऐड का पैसा उसी चैनल को जाता है, लेकिन शॉर्ट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके शॉर्ट्स वीडियो के अंदर ऐड नहीं चलेगा, बल्कि 2-3 शॉर्ट्स के बाद बीच में शॉर्ट्स वीडियो जैसा ही ऐड चला करेगा और इन 2-3 चैनलों में उस ऐड का पैसा विभाजित कर दिया जाएगा। आप अपने शॉर्ट वीडियो में एडसेंस के ऐड के अलावा भी कई तरह से पैसे कमा सकते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। पहला है स्पॉन्सरशिप। आप अपने शॉर्ट्स वीडियो में किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, इसके बदले में कंपनी से तय राशि आप ले सकते हैं। दूसरा, चैनल को प्रमोट करें।
आप किसी दूसरे चैनल को अपने शॉर्ट्स वीडियो में प्रमोट कर सकते हैं। इसके बदले में आप अपने अनुसार उससे पैसे ले सकते हैं। आप अपने वीडियो के नीचे वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप किसी ब्लॉग या वेबसाइट को प्रमोट करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चौथा, अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप अमेज़न अफिलिएट या फ्लिपकार्ट अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रोडक्ट या का रिव्यू वाला शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं और इस प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक पर आप अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल सकते हैं और प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा इससे कमीशन कमा सकते हैं। और अंत में यूट्यूब के नए नियमों के साथ ही सभी यूट्यूबर बहुत खुश हैं, क्योंकि अब नए यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं और लंबा वीडियो भी, ये सोच कर कि अगर वीडियो पर व्यू नहीं आया तो फिर लंबा वाला वीडियो 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करके मोनेटाइजेशन कर पाएंगे। अगर लंबा वाले वीडियो पर 4000 वॉच टाइम पूरा नहीं कर पाए तो फिर शॉर्ट्स वीडियो में 10 मिलियन व्यूज 90 दिन में पूरा करके अपना मोनेटाइजेशन कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।